दिस मेड्यूल इज़ अबाउट हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं इससे पहले हम समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है। एब्स्ट्रैक्ट इज एक्चुअली अ कंसाइस समरी ऑफ योर रिसर्च प्रोसेस हम रिसर्च uh, रिपोर्ट uh, में कंसाइजली और ब्रीफली अपने रिसर्च जो हमने कैरिड आउट की होती है कंडक्ट की होती है उसके बारे में बात करते हैं तो जिस सेक्शन में हम इसके बारे में बात करते हैं ब्रीफली उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं ये जो है इस सेक्शन uh, में हम बताते हैं कि हमने रिसर्च कैसे कंडक्ट की और एब्स्ट्रैक्ट इज़ एक्चुअली एन एन रीजनल वर्क नॉट एन एक्सेप्ट फ्राम एनी अदर रिसर्च रिपोर्ट तो ये आप अपने ही अल्फाज में लिखते हैं यूजली एब्सट्रैक्ट इज़ अ सिंगल पैराग्राफ ऑफ वन फिफ्टी टू टू फिफ्टी वर्ड्स अब वैसे इसकी जो है लेंथ ऑफ एब्सट्रैक्ट या इसकी जो वर्ड लिमिट है ये कम ज़्यादा हो सकती है जैसे पी एच डी का थीसिस है तो वो तो टू फिफ्टी वर्ड्स का नहीं होगा वहाँ पर ये वर्ड लिमिट सिक्स टू सेवन हंड्रेड भी हो सकती है एट हंड्रेड भी हो सकती है और रिसर्च आर्टिकल्स में ये वर्ड लिमिट जो है थ्री हंड्रेड तक जा सकती है थ्री फिफ्टी तक जा सकती है और कॉन्फ्रेंस पेपर्स में हम इसको जो है वन फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड या टू फिफ्टी वर्ड्स तक रखते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअली आपका अपना लिखा हुआ अपनी रिसर्च के बारे में एक पैराग्राफ होता है हम एब्स्ट्रैक्ट क्यों लिखते हैं हम एब्सट्रैक्ट इसलिए लिखते हैं कि वी राइट एब्सट्रैक्ट फॉर सबमिटेड थीसिस अवार्ड फॉर एनी डिग्री वी राइट एबस्ट्रैक्ट फॉर जर्नल आर्टिकल एंड कॉन्फ्रेंस पेपर्स वी राइट एब्सट्रेक्ट फॉर वीसो राइट एब्सट्रैक्ट फ्रॉम फॉर रिसर्चल वट टू इंक्लूड इन एब्रैक्ट एक अच्छे एबस्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं तो पहली जो हम इसमें जो हमारी फर्स्ट लाइन होती है जिसको हम पंच लाइन भी कहते हैं वो हम ये बताते हैं कि वाई आई है कंडक्टेड दिस स्टडी हमने ये जो रिसर्च है ये क्यों की है उसका परपज़ क्या था एंड uh, जो है uh, इसको हम बताते हैं रीडर को इसके बाद हम ये बताते हैं व्हाट इज़ द मेन आर्गुमेंट ऑफ आवर रिसर्च वो रिसर्च क्वेश्चन की शेप में भी हो सकता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव की शेप में भी हो सकता है तीसरा इसमें हम हमने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि वट इज़ आवर मेथडोलॉजी तो ब्रीफली हम अपनी मेथडोलॉजी को भी डिस्कस करते हैं एब्सट्रैक्ट में कि हमारा डिज़ाइन क्या था डिज़ाइन के बाद हमारा डाटा कलेक्शन का प्रोसीजर क्या था सैम्पलिंग की टाइप क्या थी और हमारे एनालिसिस हमने किस तरह कैरीड आउट किया उसके बाद हम ऐब्सट्रैक्ट में जो मेन फाइंडिंग्स हैं आपके रिजल्ट्स में से उसको हम उसमें ले आते हैं और एंड पे हम जो है कंक्लूजन और इम्प्लीकेशन ऑफ द रिसर्च के बारे में बात करते हैं तो जो मैंने आपसे बात की कि व्हाट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट अब मैं उसको आपको एक एग्जांपल के दिखा भी रहा हूँ ये मेरा एक रिसेंटली पब्लिश पेपर है सोशल कैपिटल एंड हैप्पीनेस इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आ हायर ऑर्डर एनालिसिस आई एम द सेकंड ऑथर ऑफ दिस पेपर तो अगर आप इसका दिस पेपर हैज़ बिन पब्लिश इन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ यूथ एंड डोलसेंस एंड दिस जर्नल हैज़ मोर देन थ्री इम्पैक्ट फैक्टर तो अगर आप इसका एबस्ट्रैक्ट पढ़ें तो आपको बड़ा ये एक ब्रीफ सा पैराग्राफ लगेगा तो इसको हम अगर पढ़ें तो इसमें क्या लिखा है सोशल कैपिटल इज अ वैल्यूएबल एसेट इन कम्युनिटी साइकोलॉजी फॉर द ग्रोथ ऑफ हैप्पीनेस। द वेरियस कंपोनेंट ऑफ सोशल कैपिटल इंक्लूडेड ट्रस्ट एंड रेस्पिरोसिटी हेल्प यू टू फंक्शन पॉजिटिवली इन सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली प्रीवियस लिटरेचर इग्नोर्ड आ हायर ऑर्डर एनालिसिसपिटल विद हैप्पीनेस तो हमने ये बता दिया है कि हमारे टॉपिक की पंच लाइन क्या है और इसको हमने क्यों कंडक्ट किया दिस रिसर्च एम्ड एट एम टू एग्जामिन द एसोसिएशन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ सोशल कैपिटल एंड हैप्पीनेस Using a convenient sampling technique, we gathered data from 843 university enrolled students, out of which 581 were male and 262 were female, and their age was between 21 to 23 years old uh, from four public universities of Punjab. The first and second hypothesis confirmed that bonding results. The first and second hypothesis confirmed that bonding trust bonding uh, uh, capital bridging capital and linking capital engagements and components of social capital were positively associated with the happiness of the youth to so, our main finding the higher order social capital model should be replicated in future studies and local government should take essential step to get the trust of the people which is necessary for the development of society अब ये हमारी इम्प्लीकेशन है स्टडी की और रिकमेंडेशन है इसी तरह एप्स्टेक्ट लिखने का एक ये स्टाइल है जिसमें हम बैकग्राउंड मेथड्स रिजल्ट्स और कंक्लूजन सेक्शन को अलग-अलग लिख देते हैं और हर एप्सटेक्ट के कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हम एंड पे देते हैं ये बेसिकली इंडेक्सिंग पर्पस के लिए होते हैं कि जो आपका रिसर्च है इसको हम जो है इंडेक्स अगर करें तो उसके साथ आपकी रिसर्च जो है वो आ, लोगों के सामने आ, सर्च बार में आ जाए तो इसमें देखें इस एब्सट्रेक्ट में एक बैकग्राउंड दिया हुआ फिर मेथड्स के ऊपर बात की हुई है रिजल्ट्स के ऊपर बात की हुई है और कंक्लूजन के ऊपर बात की हुई है ये भी मेरे एक रिसर्च आर्टिकल का ही है तो मैंने आपको दो एग्ज़ाम्पल के साथ बता दिया है कि रिसर्च प्रोसेस क्या में जो एब्सट्रेक्ट है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है और हम एब्सट्रैक्ट क्यों लिखते हैं